उड़ने की चाह हम में भी कम नहीं है। बस जरा हाथ बढ़ाकर तो देखो, रास्ते खोज लेने का हुनर हमको भी आता है। तुम जरा एक आवाज लगा कर तो देखो, जानते हैं मुश्किलों के पार कैसे जाना है। तुम कभी जरा हौसला बढ़ा कर तो देखो। मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं शाहजहांपुर पटना बिहार का रहने वाला हूँ। बचपन से आज तक मैंने जितनी अपने आप में कष्ट झेला है कि मेरे संग मेरे परिवार एवं मेरे समस्त परिवार मेरे संग कष्ट झेला, पढ़ने लिखने से लेकर के अब घर का गृहस्थी से लेकर के, क्योंकि पहला रोल था कि गरीब ताई, दूसरा हैंडीकैप्ट। अगर जिस घर में गरीब रूप में अगर विकलांग पैदा हो जाता है तो समझ लीजिए कि एक मरण के समान हो जाता है। साधन हमारे लिए अति उपयोगी था क्योंकि हम कभी ज़्यादा देर तक चल नहीं सकते। जब मुझे हैंड वाला रिक्शा मिला, मैंने उसे मात्र एक दो महीना ही चलाया, उसे बहुत कष्ट होता था चलाने में। जनवरी लास्ट में हमें ये सुविधा मिली, बैटरी रिक्शा, जो जिस पे हम अभी चल रहे हैं, और इसके सुविधा के कारण हम ये सारा काम आसानी से अब देख रहे हैं। चलने के लिए जो साधन हमारा सरकार सबसे पहले दिया है कि एक दूसरे जगह हम अगर चाह करके भी जा रहे हैं, तो ये हमारा सबसे बड़ा उनकी आभारी है। किसी के सहारा के बिना मैं वहां तक जा सकता हूँ और मैं वो काम करके अकेले आ सकता हूँ, इससे बड़ी क्या हिम्मत है। अभी इस गाड़ी को देख करके या गाड़ी से हम सफर करके मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ दुनिया देख सकता हूँ। इस प्रकार का घर में जब बच्चा रहता है तो डर ही भय बना हुआ रहता है, जो एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकता है। बहुत सारी आपदाएं हैं जो हैंडीकैप्ड कोई बन के देखे तो उसके बारे में जैसे एहसास आए कि हम क्या हैं। तो इस प्रकार के हमारे पास सरकार ने सुविधा दे करके मैं इसलिए इनको कोटि कोटि धन्यवाद कहना चाहूँगा जो हमें इस प्रकार का सुविधा दिए। अब ये हमारी ज़िंदगी जो है अब संपूर्ण रूप से बदल गई है और मैं अब अति खुश हूँ, अपना कामयाबी के तौर पे मंजिल पे चले जा रहा हूँ और अच्छी अच्छी कामयाबियाँ हमें मिल रही है।